तबाही सीन है भाई यहाँ पे, तबाही हवा जो है ना, तबाही बवंडर हवा बारिश। ठंडा लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है, मेरा गोप्रो कहीं उधर ना चला जाए। पुलिस आ गया, इतना तबाही सीन चल रहा है भाई। शाम को बाउंसर मंगा ले, बाउंसर मंगा ले शाम को। मिथुन रॉक लामा, गुड मॉर्निंग फ्रॉम करसेंग। अभी टाइम 9 बज रहा है, मैं सपना देख रहा था कि मैं 3 बजे उठा, इतना कोजी वाला नींद आया ना भाई, मजा आ गया। ये ससुरा को उठाते उठाते अंकित भाई उठता ही नहीं है, तो मेरे से ज्यादा कुड़िया तो ये है मेरे को। उठना चला, उठना, उठता क्यों नहीं है, उठता क्यों नहीं है, उठना भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ब्रो। हवा मार था, उठा रहा था वीडियो के लिए, कुछ भी करेगा तू लोग, उठा रहा था फिर से, बहुत प्यार है हमको। अब प्यार है तो हमारा सीधा ऐसे कौन मारता है? क्या हुआ? अच्छा क्या हुआ तुम्हें? सोने दो ना। चला उस टाइम से उठा रहा है, उस टाइम से उठा रहा है। चला आदमी है कि क्या है तू? हाथ हंस रहा है, हंसता है, उस टाइम से इसको उठा रहा है। मुझको तो 15 मिनट हुआ। एक बात बोलू मैं, सबसे पहले मैं ही होता था, ये चुतिया लास्ट में उठा, ये जस्ट पर वीडियो स्क्रिप्ट लिख किया था, पर ये जोर से मारा। अभी यहाँ पे अंकित जो हमारे लिए चाय कॉफी, वहाँ पे पानी गर्म हो रहा है। वैसे चाहेंगे तो नीचे से भी मंगा सकते हैं, हम बोल भी सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे सारा कुछ है तो क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए। और रात में अंधेरा में हम लोग आए, तो बाहर का तो नजारा हम लोग नहीं दिखा पाए, मैं नहीं दिखा पाया आप लोगों को, लेकिन अभी दिखाता हूँ भाई। इसके पीछे तो जन्नत दिख रहे हो भाई साहब, सुबह सुबह 9 बजे ये व्यू अपने होटल से अगर देखने मिल जाए ना तो क्या ही बात है, क्या ही बात है, मजा आ जाए। अभी तो मुँह हाथ कुछ नहीं धोया तो सकल पे मत ही जाना। और आर यू गाइस रेडी? ये देख लो वहाँ पे है ना, वहाँ पे छोटा, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, लेकिन वहाँ पे है आई लव जो करसेंग है, वो आई लव करसेंग वहाँ पे है। और ये हमारा होटल का बगल में ऐसा कुछ ऑरेंज कलर का बिल्डिंग है, और ये कुछ नज़ारे हैं यहाँ पे। तो इसी नोट पे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो नमस्ते, राम नाम के सबको, तो सब मेरी तरफ बढ़िया होंगे, बढ़िया रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके भी जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ये देख लो रूम का हालत भाई कैसा हो गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर ब्रेकफास्ट करने के लिए, उसके बाद जाएंगे थोड़ा सा साइट सीन करने, और मेरा हेलमेट भी ले लिया हूँ क्योंकि भाई मोटो व्लॉगिंग करना तो जरूरी है। और वैसे गाड़ी भी है लेकिन हम लोग बाइक से जाएंगे, और अंकित और प्रेम जो है वो कार में जाएंगे। और यहाँ पे अपना बाइक जो है नहीं है ला भाई, क्या हुआ, बाइक निकल गया हम लोग बाहर। ब्रेकफास्ट में क्या क्या है? पूरी आलू दम अचार, अंडा खाने हो, अंडा है ना, पहले मंदिर जाने से जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज। मतलब नाश्ता ब्रेकफास्ट जो है ना काफी ज्यादा अमेजिंग का, काफी अच्छा था। और ब्रेकफास्ट अच्छा होता है तो दिन भी अच्छा जाता है। तो अभी बाहर निकलता है, मेरे को देखना है मेरा बाइक है कहाँ भाई, मैं तो निकाला भी नहीं हूँ। ओहो मेरा बाइक वहाँ पे है, मैं तो यही सोच रहा था मेरा बाइक कहाँ गया, मैं तो निकाला ही नहीं हूँ, लेकिन बाइक अपना वहाँ पे है। बाइक में चला, बाइक चलाने का टाइम मिल गया। अभी बहुत जबरदस्त यहाँ पे ठंडा है। ये है होटल वैली, इसका बारे में भी थोड़ा बहुत डिटेल में दे दूंगा, क्योंकि रूम सर्विस अपने को ना जब बहुत अच्छा मिला, जब बहुत अच्छा मिल जाता है ना तो खुद से तारीफ करना निकलता है, खुद ऑटोमेटिक तारीफ निकलता है। और फिलहाल हम लोगों ने इंस्टाग्राम में भी डाला है कि अगर करसेंग से कोई देख रहा है इस होटल का सामने, अगर आना चाहे मिलना चाहे तो आज शाम को 5 बजे, आप देखते हैं कितने लोग आते हैं। तो गाड़ी थोड़ा सा वार्म अप करता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ यहाँ से। करसेंग तो वैसे मैं बहुत बार आया हूँ, लेकिन आज जो होटल के जो मैनेजर है वो हम लोग को ऐसा ऐसा जगह लेके जाने वाले हैं जो हम लोग कभी, शायद मैं तो कभी गया नहीं हूँगा, और जो मेरे व्यूअर है अगर करसेंग से नहीं हो तो आप लोग भी शायद नहीं गए होंगे, मेरे करसेंग से बहुत सारे वीडियोज़ में आप लोग देखे होंगे, सॉरी नहीं देखे होंगे, आज वो सारा चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठंड का बात करूँ तो ठंड बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, आप देख ही सकते हो जहाँ आपका नज़र जाए वहाँ पे फॉग। आई नो कैमरा उतना जस्टिस नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन फॉग बहुत ज़्यादा लग रहा है भाई साहब। राजू वाले हमें कहाँ जाने हो? राम मंदिर। कौन से मंदिर? राम मंदिर। राम मंदिर कहाँ था? इसको माथी। तो अभी हम लोग वहीं पे जाने वाले हैं, राम मंदिर। आज रामनवमी भी है तो राम मंदिर जाना तो जरूरी है, तो चलते हैं। अभी बहुत ऊपर चलना है, देख लो अभी तो हम लोग स्टार्टिंग किए हैं सीढ़ी चलना, और ऊपर से नज़ारा जो है और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं तो इतने में थक गया।
तबाही सीन है भाई यहाँ पे, तबाही हवा जो है ना, तबाही बवंडर हवा बारिश सब एक ही साथ हो रहा है। तभी हम लोग का दर्शन जो है अच्छे से हो चुका है और भीड़ भाड़ भी यहाँ पे देख सकते हो कितना खतरनाक भीड़ भाड़ हो रहा है। अभी हम लोग को जल्दी जल्दी छीटो छीटो बाहर होने पर था क्योंकि बहुत जगह घूमने और हम मैं ये मना रहा हूँ कि भाई बारिश ना हो। बारिश हुआ तो प्रेम हम लोग तो तुम लोग तो ठीक है सेफ है भाई, कार में है हम लोग, बाइक में है हम लोग तो गए ना। फिर अभी यहाँ पे ट्रेन आने वाला है तो हम लोग ट्रेन देखने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं टॉय ट्रेन दार्जिलिंग का स्पेशल टॉय ट्रेन। देखो भाई आपका भाई अभी मोटर ब्लॉगिंग से सीधा गाड़ी में आ चुका है क्योंकि यहाँ रॉक को इसको ना बाथरूम जाना था और मेरे को फाइल कॉपी करना था, तो मैं भी सोचा चलो मैं भी चलता हूँ फाइल कॉपी वगैरह कर लूंगा। और फिलहाल अभी गाड़ी में हूँ और यहाँ पे देख लो यहाँ पे पूरा मेला ही लग गया है। मैं भी मोटर ब्लॉग करते हुए आऊंगा ना तो आपको अच्छे से दिखा दूंगा। यहाँ पे देखो पूरा पूरा मेला लगा हुआ है यहाँ पे। एक्चुअली आज का दिन ये जगह का नाम है एक्चुअली गिदा पहाड़ राम नाम से। यहाँ पे पूरा देख रहे हो पूरा मार्केट ही लग चुका है, पूरा मेला टाइप का लगा है। ये अगर बारिश नहीं होता ना तो भाई साहब देखने में और यहाँ पे एक्सप्लोर करने में ना काफी ज्यादा मजा आता। हम लोग भी एकदम सही सलामत सब कुछ काम खत्म हो चुका है, अभी जाना है ऊपर में। ऊपर से बोल रहे हैं भैया लोग की व्यू पॉइंट जो है काफी ज्यादा शानदार है, तो ऊपर से देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। नजारा तो वैसे यहाँ से भी काफी ज्यादा शानदार है, वहाँ देखो क्या मस्त बादल मूव हो रहा है। और अभी हम लोग ऊपर से जाएंगे, ऊपर से दिखाएंगे, काफी ज्यादा शानदार है। और यहाँ से तो पूरा आपको कर्शन का जो टावर है वो भी मेरे को दिख रहा है। हवा तो भयंकर ही चल रहा है यहाँ पे, ठंडा लग रहा है। अभी देखो एक गजब का चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे बादल जो क्या स्पीड में मूव हो रहा है और क्या भयानक रोड है। ठंडा लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है मेरा गोपुर कहीं उधर ना चला जाए। 15-20 मिनट तो यहाँ पे रह गया भाई, ठंडा से ना हालत खराब हो रहा है अपने को। कान एकदम ठंडा पड़ गया है, कान एकदम सील्ड किया है और कोई टच करेगा तो लगेगा ऐसे आइस आइस जम गया है ऐसा। अच्छा जगह है, लोकेशन कस्तो छ आज एकदम दामी छ, बवाल छ बवाल छ, मजा आ रहा है। मेरे को एक्चुअली बाइक चलाने का मन ही नहीं कर रहा है लेकिन बाइक में जाना तो पड़ेगा भाई, बाइक लेके आए तो उतना दूर तो निकलना पड़ेगा बाइक से ही। बाइक में चलते हैं, गिदा पहाड़ मेला में एक्सप्लोर करने आए हैं। और यहाँ पे भाई भीड़ देख लो, और इसके लिए तो लग रहा है ना हम लोग को बाउंसर मंगाना पड़ेगा शाम के टाइम में जब मीटअप है, ऐसा डाउट हो रहा है बहुत भयानक ही क्रेज होने वाला है यहाँ पे। तबाही सीन हो रहा है भाई, तबाही, पुलिस आ चुका है यहाँ पे, ये पुलिस आ गया, इतना तबाही सीन चल रहा है भाई। शाम को बाउंसर मंगा ले, बाउंसर मंगा ले शाम को, इतना ज्यादा प्यार मिला ना गाइस, हैंडल कर मतलब हैंडल ही नहीं हो पा रहा यहाँ पे। ओ भाई यहाँ भीड़ देख रहे सब इसी के लिए है। ओ भाई साहब तबाही सीन है, तबाही। 10 रुपया कोई को कम दस में छो को नहीं है लूट के अंदर खा जाइए अभी है। तो अभी हम लोग फुचका खाने के लिए रुके हैं 10 रुपए का, जबकि यहाँ पे 4 मिल रहा है। हम लोग 6 का डिमांड कर रहे हैं लेकिन 6 नहीं मिल रहा है। 10 रुपए छो को ना अभी अच्छा बनावा बढ़िया से बनिया, तन से तीखा कर दिया जैसा कहिए, इतना तीखा बनाए कि उतना भी तीखा नहीं फट जाए। तो यहाँ पे भैया आए गाड़ी लेने के लिए, हम लोग आए बाइक लेने के लिए। रॉक अगर पीछे पैदल इसी तरह लेके आते तो बहुत ज्यादा टाइम लगता, तो अभी बाइक लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो अगर वो हम लोग यहाँ से दोबारा से सब लोग आते ना तो फिर आने में 1 घंटा, जाने में 1 घंटा फिर लगता। भाई साहब क्रेजी सीन था, क्रेजी मजा आ गया देखते ही। तो अभी मैं रॉक का बाइक चला के ले जा रहा हूँ क्योंकि रिटर्न में तो बता ही दिया आने से बहुत टाइम लगता, अभी वो लोग बहुत आगे, लगभग 500 मीटर से 600 मीटर आगे। जितने भी क्वेश्चन से व्यूअर लोग देख रहे हैं ये वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर देना जरूर से जरूर। मेला है बोल के बहुत ज्यादा ही भीड़ हुआ है, रामनवमी है बोल के यहाँ पे मेला लगा है, नहीं तो नॉर्मली ये रोड, ये भी रोड ही रहता है क्योंकि यहाँ पे फेमस मंदिर है, माता जी का मंदिर है जो काफी नामी है, तो उसके वजह से यहीं पे मेला लगता है। और ये देख लो सीन भाई, यहाँ पे मेला का भयंकर सीन था, पूरा टायर्ड हो गया हूँ, पूरा थक चुका है हम लोग। थोड़ा बहुत मैं फ्रेश हो गया, मुंह धो लिया हूँ, पावर नैप लिया हूँ, 15-20 मिनट का अभी टाइम, 4 बज चुका है। ये देख लो आपका भाई जो है ऐसा कुछ दिख रहा है। फिलहाल मैं अपने हेलमेट वगैरह तो यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, बस जूता पहनो और भागो क्योंकि नीचे रॉक का काफ़ी सारे सब्सक्राइबर लोग आए हैं और मार्केट में तो आप लोगों ने देखा ही लगभग 150 जैसा, कम से कम 150 लोग से तो सेल्फी वगैरह हो गया है। अभी मेरे गोप्रो में ना एक्चुअली ज़्यादा मेमोरी कार्ड बचा नहीं है, तो यहाँ पे मैं फाइल ट्रांसफ़र कर रहा था। अच्छा चलो ये फाइल ट्रांसफ़र हो चुका है, मैं अभी नीचे से आके खाना वाना खाता हूँ, एकदम खतरनाक वाला भूख लगा हुआ है। तो अभी इतने कुछ लोग आए हुए हैं मिलने के लिए, मिथुन ल थ्याङ्क यू सबैहरूलाई।
थैंक यू बाय बाय सब जना बाय 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 बाय। तो फाइनली यहाँ पे सारा मीटअप वगैरह डन हो चुका है। हम लोग को खाना भी बहुत तगड़ा भूख लगा, लेकिन भाई का जो सब्सक्राइबर लोग आए थे उसकी वजह से हम लोग थोड़ा रुके थे, सब्सक्राइबर लोग के लिए कुछ भी, व्यूअर के लिए कुछ भी। तो यहाँ पे भी हम लोग बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। और चिकन आलू मटर खाते हैं। लु तो खाना खाए रहा हमी, अंत अब फिर कहाँ जाने भाई? मार्केट घूमने। मार्केट हम लोग जा रहे हैं, नेपाली भी हो गया, हिंदी भी हो गया, अभी थोड़ा सा भोजपुरी भी ठेल देते हैं करसंग का मार्केट के लिए। और बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड हो चुका हूँ। मेरे को तो एक टेंशन है कि आज मेरे को एक वीडियो एडिट भी करना है, लगभग 40-45 मिनट का वीडियो होने वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा शूट है मेरा वो सेकंड कार के ऊपर। आप लोगों ने देखा ही होगा 25-30 मिनट का वीडियो हो सकता है, और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, उसको एडिट करना अपलोड करना है आज ही के आज ही, क्योंकि मैं टाइम लेके रखा हूँ, आज ही अपलोड हो जाएगा वो वीडियो। तो निकलते हैं। तो वहाँ से देखिए, ये आपको पूरा करसंग का मेन सिटी दिख रहा है, और ये भी एक मंदिर है जो कल में सभी लोग गए थे। काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ठंड भी बहुत ज़बरदस्त है। मैं कोलकाता से आया हूँ तो ऐसा लग नहीं रहा है कि भाई हम कोलकाता में थे, वहाँ पे इतना गर्मी और यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा। भाई मैं तो यही सोच रहा हूँ, अगर राइनॉक्स का मैं जैकेट लाने वाला नहीं था, अगर नहीं लाता तो अब मेरा क्या होता, कहाँ जाता, क्या करता, कुछ समझ में नहीं आता। सजना जी मैनु छड़ के नी जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा जान बन जाना कदी। तो बाइक अपना यहाँ पे पार्किंग में लग चुका है, काफी सारे बाइक है, उसलिए मैं भी लगा दिया हूँ। पुलिस होगा तो होगा, जो होगा देखेगा। ओ भैया कहाँ ले जा रहे हैं हम लोग, इतना लाइटिंग वाइटिंग है, खतरनाक हो गए आज के। यहाँ पे एक्चुअली एक्सपो एक्सपो है, तो एक्सपो मेला है, तो यहाँ पे भी देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। जहीं पे भी आप एक्सपो में चले जाओ ना, ये सहारनपुर का आपको ये आइटम सारे आइटम देखने मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे एक्सपो खुद से किया हूँ तो मेरे को पता है ये सारे सहारनपुर के हैं। तो मार्केट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं एक कैफे के अंदर। यहाँ पे मैं पी रहा हूँ कॉफ़ी, सभी लोग कॉफ़ी पी रहे हैं एक्चुअली बता दूँ, और लेकिन भैया का और अंकित का जो है ब्लैक कॉफ़ी है, हम लोगों का नॉर्मल कॉफ़ी मतलब मिल्क वाले कॉफ़ी। तो अभी यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, चॉकलेट वॉकलेट मिल चुका है, ठीक है। शकल ही तो बता रहा होगा कि पूरा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ मैं, हो चुका हूँ बस। कल सिलीगुड़ी भी निकलना है, सिलीगुड़ी से फिर जयगांव भी निकलना है। ओ माय गॉड, बहुत हालत खराब होने वाला है। भाई को नाम क्यों? नियंग शेरपा। ये भाई तो मतलब दो तीन जन को एक्स्ट्रा बुला बुला के, जब भी मिल रहा है दो तीन जन को लेके आ रहा है बुला बुला के। लो अभी तुम भी वीडियो में आ गया, ठीक है, ओके ऐसा कर दो। हमारा तो बहुत जबरदस्त मजा आ गया भाई, यो क्रेजी फैंस और देखे रहा, मजा आया इसको। आज तू बता तेरे को कैसा मजा आया? एनर्जी खत्म, आज दिन बहुत मजा आया ना, एनर्जी खत्म। इसी बात बोलना चाहता हूँ हमारे फर्स्ट के व्यूअर्स के लिए, दिल से रेस्पेक्ट, जय हिंद वंदे मातरम। तो फाइनली होटल पहुंच चुके हैं, जाते हैं रूम पे। थोड़ा सा मेरे को बहुत थोड़ा सा नहीं यार, बहुत ज्यादा काम है, तो पहले रूम पे पहुंचता हूं, उसके बाद बताता हूं। सो गाइस, लगभग दो दिन से मैं ये वीडियो को एडिट कर रहा हूं, इतना बड़ा रॉ फुटेज था ना आकर्षण के लोग, ओ माय गॉड क्या मजा आया था, मैं बता नहीं पाया, लेकिन लास्ट में वीडियो एंड नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे देख ही रहे हो कि मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक वीडियो का एकदम डेडलाइन था, उसके वजह से मैं एडिट कर रहा था और मैं वीडियो को एंड नहीं कर पाया। लेकिन करसंग के लोग जो इतने अच्छे, इतने मज़ा आया मेरे को करसंग में कि मैं बोल नहीं सकता, मैं अपना जो शब्द है वो बयान नहीं कर सकता हूँ। शकल पे अभी मत जाइएगा, अभी जस्ट सो के उठा, सो के रात में भी एडिट करके सोया, अभी फिर सुबह सो के उठा, अभी भी एडिट खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत टाइम, एक घंटा और लगेगा। तो इसी नोट पर ये वीडियो को एंड करते हैं, होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन राइट सेफ, दिस इज बॉबी ब्लॉग साइनिंग आउट, जय हिंद जय भारत, राइट हार्ट राइट सेफ।